गाइज वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं मेकअप करके बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और अभी मैं अपना मेकअप रिमूव करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने जस्ट अभी अपनी दो वीडियो शूट की है। वो वीडियो मे बी आप लोगों को इस ब्लॉग से पहले दिख जाए या फिर इस ब्लॉग के बाद दिखे, वो कन्फर्म नहीं है। सो जस्ट अभी अपना मेकअप रिमूव करूंगी मैं और आज है मंडे। सो मैंने सोचा चलो मेकअप लुक मैं अपना क्रिएट कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं अपनी व्लॉग वीडियो भी स्टार्ट कर लूँ। सो अभी से मैं अपनी इस व्लॉग वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और अभी टाइम हो रहा है दोपहर की, 2:30 बज रही हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं 2:30 बज रही हैं और अभी से मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर ली है। अब जाऊंगी मैं नीचे लंच करने, लंच बन चुका है तो देखते हैं लंच में क्या बना हुआ है क्योंकि मम्मी बना रही थी लंच और मैं ऊपर अपनी वीडियो शूट कर रही थी। सो आप लोगों को देख सकता है मेकअप करने के बाद बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो मुझे इसलिए मेकअप रिमूव करना पड़ेगा गाइस, वो इसी वजह से करना पड़ रहा है मुझे। वैसे मैं नहीं करती क्योंकि जब मेकअप इतना लगा ही दिया है तो शाम तक रहे तो अच्छा लगता है बट आजकल नहीं रख सकते हैं। समर आ चुका है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कितनी ज्यादा यहाँ पे गर्मी है, इसीलिए मुझे अपना मेकअप रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं मेकअप रिमूव नहीं करूंगी तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं अपना मेकअप अभी रिमूव करूंगी, उसके बाद मैं नीचे लंच करने जाऊंगी। सो चलिए वीडियो तो मैंने स्टार्ट कर ली है, देखती हूँ आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या मैं इंटरेस्टिंग चीजें दिखाती हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में, ओके। तो गाइज ये वीडियो है मेरी अगले दिन की, उस दिन का वीडियो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई तो ये अगले दिन की वीडियो है मेरी, यानी कि ट्यूसडे की वीडियो है और आज मैं बनाने वाली हूँ पुलाव। तो यहाँ पे गाइस चावल को मैंने भिगो के रख दिया है, 3 कटोरे चावल मैंने भिगोए हैं और यहाँ पे मैंने टमाटर कट किए हुए हैं, 2 से 3 टमाटर कट किए हुए हैं, 1 शिमला मिर्च कट की हुई है, थोड़ी सी बीन्स मैंने यहाँ पे कट की हुई हैं और 2 प्याज मैंने यहाँ पे मीडियम साइज के कट करे हुए हैं और 1 कटोरी यहाँ पे आलू मैंने कट की हुई है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मटर ली हुई है। तो इन सारी इंग्रेडिएंट्स को मैं अपने पुलाव में डालूंगी। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है, यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच इसमें तेल ऐड कर दूंगी। तो तेल को गर्म होने के बाद मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी, जीरा जब तक हमारा ब्राउन ना हो जाए तब तक मुझे इसे ऐसे रखना है और इसमें मैं आधा ढक्कन हींग का डाल दूंगी, मतलब आधा चम्मच आप लोग लगा सकते हैं हींग डाल दूंगी। हमारा जीरा यहाँ पे हो चुका है तो इसमें मैं डालूंगी अब प्याज, जो मैंने मीडियम आंच में प्याज कट किए थे। प्याज को मैं हल्का फ्राई करूंगी, ज्यादा फ्राई मुझे नहीं करना है तो प्याज हमारे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी आलू, आलू के साथ साथ ही मैं मटर ऐड करूंगी क्योंकि ये 2 चीजें ही ऐसी होती हैं जो पकने में काफी ज्यादा टाइम लगाती हैं तो इन्हें मैं अच्छे से मिला लूंगी। इन दोनों को पकाने के लिए यहाँ पे मैं हल्का सा नमक डाल दूंगी, 1 से 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया हुआ है और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर यहाँ पे डाला हुआ है। फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि जो हमारे मटर और आलू हैं वो थोड़ा पक जाएं। तो हमारे मटर और आलू हल्के हल्के पक चुके हैं, उसके बाद मैंने इसमें बीन्स ऐड कर लिए हैं, बीन्स को मैं फ्राई कर दूंगी। उसके साथ साथ ही मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर ली है, उसे भी मैं अच्छे से फ्राई कर दूंगी। और अब इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं, जो टमाटर मैंने कट किए थे उसे ऐड कर लिए हैं। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे मसाले ऐड करूंगी, तो मसालों में सबसे पहले मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे सब्जी मसाला ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैंने हल्का सा नमक इसमें ऐड और कर लिया है। पहले तो मैं डाल चुकी हूँ लेकिन थोड़ा सा मैंने और कर लिया है और अब मैं ऐड करूंगी मैगी मसाला, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है, खाने का जो टेस्ट बना देता है वो मसाला मैं यहाँ पे डालूंगी। और इन सारे मसालों को मैं अच्छे से इन सब्जियों में मिक्स कर दूंगी ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से पक जाएं। तो अभी मैं कुछ देर के लिए इसे ढक के रख दूंगी ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो थोड़ी सी पक जाएं, क्योंकि कच्ची सब्जी अगर पुलाव में रहती है तो वो स्वाद उसका थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो मैंने 5 से 10 मिनट हो चुके थे मैंने सब्जी को ऐसे ही ढक रखा था, तो अभी आप लोग देख सकते हैं
हमारी सब्जी काफी हद तक पक चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने भिगाए हुए चावल थे उन्हें ऐड कर दूंगी। गाइस आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरा कैमरा हिलता रहा होगा, लेकिन वो इसीलिए मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था, ट्राईपॉड मैंने बता ही चुके हैं आपको टूट चुका है। तो मैं खुद ही अपने एक हाथ से मैंने फोन पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं पुलाव बना रही थी, तो थोड़ा सा इसमें डिसबैलेंस मतलब फोन हिल रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं सारे चावल अपने ऐड कर दूंगी और चावलों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि पानी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पुलाव को पहले उबाल लेते हैं, लेकिन मैंने उबाले नहीं थे, चावल भिगाए हुए थे, तो थोड़ा पकने के लिए भी तो इसमें पानी चाहिए होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसमें पानी ऐड कर लिए हैं 2 गिलास। और अब मैं अपने कुकर पर सीटी लगा लूँगी। तो गाइस अभी मैं आई हूँ बाहर पे, आप लोगों ने देख लिया है ना मैं पुलाव बना रही थी, और आज है ट्यूसडे। कल मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, कल मैं पूरा दिन मतलब कल मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई, थोड़ा सा एक आप लोगों के साथ वीडियो मैंने शूट की थी, उसके बाद मैं नहीं बना पाई, तो अभी आज बना रही हूँ। और आज है ट्यूसडे, और अभी जस्ट अभी मैं अपना पुलाव जो मैंने पुलाव रखा था उसे रखा हुआ है गैस में, अभी बना नहीं है, उसे रख के बाहर आई थी, कुछ कूड़ा था उसे फेंकना था, तो बाहर पे वो बस मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों के साथ बातें कर लूँ। बहुत गर्मी हो रही है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, धूप देखो बहुत धूप है, और मैं यहाँ पे हूँ ये पेड़ इसके नीचे। बाकी चलिए धूप में ज़्यादा बात तो नहीं कर सकती हूँ, अभी अंदर चलती हूँ फिर आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। ओके तो गाइज अब आप लोग देख सकते हैं हमारे पुलाव बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। सो हे गाइज वेलकम टू माई चैनल, कैसे हो आप सभी लोग, आई जस्ट होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज आज है वेडनेसडे, और कल मैंने अपनी और आज मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, कल मैं अपनी वीडियो पूरी शूट नहीं कर पाई, तो अभी का जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 9:30, और मैं हूँ अपनी गेट के बाहर। आज मैं थोड़ा मैं यहाँ पे अपने हेयर उलझे हुए हैं, इनको थोड़ा इनमें कॉम्ब करूँगी। और गाइस आप लोग सुनाओ कैसे चल रहा है आपका लॉकडाउन, वैसे भी लॉकडाउन अब तो खुल ही चुका है, काफ़ी सारे लोग ऑफिस जाने लग गए हैं, काफ़ी सारे लोग आप लोग देख सकते हैं हमारी गली में। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, उसमें दिखाया था कि उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा पूरी गली में जो हम गली वालों की जो गाड़ियाँ थी खड़ी थी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के ऑफिस खुल चुके हैं, तो काफ़ी सारे लोग ऑफिस चले गए हैं। बाकी आप लोगों को मेरी वॉइस से ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतने स्लो क्यों बोल रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ मेरी आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरे मुँह पर यहाँ जीभ पर छाले पड़ गए, तो अच्छे से मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो चलिए अपने बालों पे पहले कॉम कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। कुछ मैं आप लोगों को हरियाली दिखाती हूँ जो हमारे घर के आगे है, क्योंकि हरियाली देखे ना पॉजिटिव वे आता है, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं वो माइंड से दूर हो जाती हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है टमाटर के पेड़ जो हमारे मतलब मार्केट से ही लाया हुआ टमाटर जो ख़राब हो जाता है उसे हम ऐसे डाल देते हैं, तो उनके पेड़ हो जाते हैं, ये देख सकते हैं आप
क्योंकि उनके जो शीड होते हैं ना वो जम जाते हैं मिट्टी में और पेड़ हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, टमाटर भी लग चुके हैं। ये देखिए अभी कच्चे हैं, इन्हें पकने में टाइम लगेगा। एक चीज मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूंगी, देख लो ये है अंगूर। इसका पेड़ भी हमने लगाया था और पेड़ तो काफी ज्यादा हो चुका है इसका, लेकिन ना इस पे अंगूर कम ही आए हैं, अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। बाकी बस यही है अपना। देखो हमारी गली में कितनी ज़्यादा हरियाली छाई हुई है। धूप देख रहे हैं आप, धूप कितनी तेज आई हुई है। तो गाइज आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा बाहर, हमारे घर के बाहर कितनी ज़्यादा हरियाली छाई हुई है। अच्छा भी लगता है हरियाली होना, क्योंकि हरियाली अगर रहती है ना तो पॉजिटिव थिंक आती है मन में, और अगर सूखा रहे बिल्कुल हरियाली ना हो तो नेगेटिव बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। तो हरियाली होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे मौसम में और ऐसे टाइम पे जब चारों तरफ हरियाली फैली हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मन में आती हैं। बाकी गाइस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी तो नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत आप लोगों को अपना अभी का रूटीन, जो मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून का रूटीन होता है वो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, आप लोग देख सकते हैं मैं अपने बेड पे बैठी हुई हूँ, पीछे देख सकते हो लैपटॉप, कपड़े देखो किस तरीके से मैसी करे हुए हैं, मैंने सारा घर मैसी हुआ है। और मैंने जैसे आप लोगों को बता ही दिया है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये जीप के यहाँ पे छाले हो गए हैं तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और थोड़ा बहुत मुझे फीवर भी हो रहा है। तो चलिए ये चीज़ें तो चलती रहती हैं लाइफ में, इनको तो इग्नोर मारना चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना मेरा काम है। अभी मेरा जो काम सबसे मेन है वो है यहाँ पे पोछा लगाना, क्योंकि इतने ज़्यादा हद से ज़्यादा मच्छर यहाँ पे हो रहे हैं, और इतना मतलब पूरा दिन वो मच्छर दिखते नहीं हैं, और रात होते ही जैसे हम सोने लगेंगे मच्छर आके अपना काम करना शुरू कर देता है, काटना शुरू कर देता है। तो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा चलो इतना ही हो रहा तो आज फिनाइल से पोछा लगा के मैं पूरे रूम को साफ करूंगी। तो गाइस मैं पहले साफ सफाई कर लेती हूँ, वहाँ मैंने पोछा लगा लिया है, वहाँ पे मैं आज गद्दे लगाऊंगी, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एसी है और काम करने के लिए अच्छा होता है, इसीलिए वहाँ नीचे हमें बैठने के लिए सही होता है, वहाँ मैं गद्दे लगा लूँगी। और अभी मैं अपने इस बेडरूम का पोछा लगा रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा ट्राईपॉड टूट चुका है और मैं हाथ पे लेके तो जा नहीं सकती हूँ फोन, इसीलिए मैं पोछा लगा लूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं अपना सारा काम करके, और अभी मैं बैठी हुई, जो मैंने ये बताया था नीचे मैंने गद्दे लगाए हुए हैं, यहाँ पे मैं काम करूँगी कंप्यूटर पे अपना, क्योंकि यहाँ पे एसी चलेगा इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। सो चलिए अब ज़्यादा इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं करती हूँ, यहीं पर इस वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, वैसे भी मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, लेकिन जैसे तैसे मेरी वीडियो लंबी हो ही जाती है। सो चलिए अब ज़्यादा और बातें ना करते हुए यहीं अपनी इस वीडियो को एंड करती हूँ, और अब मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।